भाई साहब सारे बंदे अपने को सैल्यूट कर रहे हैं। तो फाइनली यार माइकल यहाँ पर कर्नल डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब मुझे सातों तोपों की सलामी दी जा रही है, मतलब माइकल पूरा अपना फॉर्म में आ चुका है। भाई माइकल का स्वैग देखो यार, जैसे कि तुम देख रहे हो सामने साइड पे माइकल का पूरा नाम लिखा गया है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, आई होप अच्छे होंगे। तो यार फाइनली यार आज बनने जा रहा हूँ मैं मिलिट्री का नया कर्नल। तो यार आ जाओ चलते हैं फिर। हाँ तो यार आपको पता है लास्ट मैंने कर्नल और कर्नल के बेटे को मार दिया था, और उसके बाद से यार तुम लोग बोल रहे थे कि भैया आप ही नए कर्नल बन जाओ, और आर्मी भी अपना कोई ऐसा पावरफुल बंदा ढूंढ रही थी जो कि पूरी अपनी आर्मी वगैरह संभाल पाए। तो यार माइकल ने इस जॉब के लिए अप्लाई करा था, और फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब माइकल को ये जॉब मिल चुकी है। जैसे कि तुम देख ही रहे हो माइकल ने पूरी अपनी कर्नल वाली ड्रेस डाल ली है, और इस ड्रेस के अंदर माइकल कितना सही लग रहा है, और माइकल के हाथ में पूरी पावर वगैरह आ चुकी है, पूरी सिक्योरिटी वगैरह, पूरी आर्मी मतलब यार माइकल के हाथ में ही है। जैसे कि तुम देख ही रहे हो माइकल के घर पे भी कितनी ज़्यादा लेवल वाली सिक्योरिटी लग गई है, यहाँ पर सारे बंदे बंदे खड़े हुए हैं, इसको सारे बंदे सैल्यूट कर रहे हैं। और ये पोपलू सा तो मेरे को पहले गोलियां मारा करता था ना, मतलब जब यार आर्मी से मेरी लड़ाई होया करती थी तब ये बंदा मेरे को गोलियां मारता था, और अब मेरे यहाँ पर ये सैल्यूट मार रहा है। तो यार टाइम टाइम की बात है, देखो टाइम सबका चेंज हो जाता है, और माइकल आज इतना बड़ा बंदा बन चुका है, और इसको इतने ज़्यादा लेवल वाली सिक्योरिटी मिल चुकी है, चार चार रोल्स रॉयस मर्सिडीज और ये टैंक्स चलो ठीक है, उसके साथ साथ इसको मिले हैं ये ऊपर वाले हेलीकॉप्टर, जो कि मैं आपको अपने ड्रोन शॉट से दिखा रहा हूँ। एक हेलीकॉप्टर ये रहा और एक हेलीकॉप्टर ये रहा, तकरीबन इसको दो हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं जो कि इसको फुल सिक्योरिटी देने वाले हैं। तो यार मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को भी जाना है मिलिट्री बेस और हॉस्पिटल कर्नल सेरेमनी के लिए। हाँ तो यार जैसे कि तुम देख रहे हो माइकल की पूरी सिक्योरिटी इसके साथ आ रही है, मतलब ये आर्मी वाली गाड़ियाँ और पीछे टैंक्स और जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं माइकल को पूरा फॉलो कर रहे हैं, मतलब माइकल अपना पूरा स्वैग में आ चुका है। बाकी यार मिलिट्री बेस जाने से पहले मैं भी जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आपको ना पता हो तो ये जो ट्रेवर है अपना और लेस्टर है ये हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको पता है क्लास आर्मी ने इनके ऊपर अटैक कर दिया था, और उसके बाद से मैं बन चुका हूँ आर्मी का कर्नल। खैर अब तो अपने ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, तो फटाफट से हॉस्पिटल आ चुका है, ये सामने ही है। बाकी यार ये जो ड्राइवर है ना बहुत स्लो गाड़ी चलाता है। तो फाइनली यार मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं, अब फटाफट से जाके ट्रेवर और लेस्टर को मैं मिल लेता हूं। आई होप अभी तक तो वो ठीक हो गए होंगे। बाकी यार ट्रेवर और लेस्टर में से किसी को भी ये नहीं पता कि मैं मिलिट्री का कर्नल बन चुका हूं। वो ये चीज़ देख के बहुत तगड़े लेवल वाले खुश होने वाले हैं। तो यार ट्रेवर और लेस्टर दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है, और जैसे कि तुम देख रहे हो दोनों एकदम ठीक हो चुके हैं। तो फाइनली यार मैंने इनको बता दिया है कि यार मैं मिलिट्री का कर्नल बन चुका हूँ, और ये बात दोनों सुन के बहुत तगड़े लेवल वाले खुश हो चुके हैं। जैसे कि तुम देख ही रहे हो ये मेरे साथ अभी जा रहे हैं मिलिट्री बेस, और ट्रेवर तो मेरे से बहुत सी डिमांडें कर रहा है, ये बोल रहा है कि मेरे को ब्रिगेडियर बना दो। हाँ तो यार हम मिलिट्री बेस जाने के लिए निकल पड़े हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो मेरी सिक्योरिटी भी मेरे पीछे आ रही है, और अब गाड़ी चला रहा है अपना प्यारा लेस्टर, और अपना ड्राइवर भी आगे बैठ चुका है। हाँ तो यार लेस्टर बोल रहा है कि यार उसको बहुत शौक है रोल्स रॉयस चलाने का, और किस्मत से उसको कभी रोल्स रॉयस मिली नहीं चलाने के लिए, और ये पूरा इंजॉय कर रहा है। मैंने कहा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब मैं कर्नल बन चुका हूँ तो पूरी ऐश कर सकता है। तो यार बाकी जैसे तुम देख रहे हो अपनी पूरी सिक्योरिटी अपने साथ चल रही है, तो यार पूरी कर्नल वाली लाइफ में मेरे को पूरा इंजॉय कर रहा हूँ मैं। तो यार तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें मेरी ये कर्नल वाली लाइफ कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रही है। तो यार अभी मिलिट्री बेस फटाफट से चलते हैं, वहाँ पर जाके काफ़ी कुछ होने वाला है। पहले तो कर्नल सेरेमनी होगी, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होने वाली है जो कि देख के तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फाइनली यार हम मिलिट्री बेस के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार मेरे को मिलिट्री बेस जाने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा। लिटरली यार अब तो मैं कर्नल बन चुका हूँ, और ये इसने गेट क्यों तोड़ दिया भाई। लेस्टर यार पूरा बेसब्रा हो चुका है, जैसे कि तुम देख रहे हो पूरे गेट वेट तोड़ रहा है। खैर अभी तो गेट तोड़ने की कोई ज़रूरत थी नहीं, अब तो अपन कर्नल बन चुके हैं, कोई अपने को नहीं रोकने वाला। बाकी यार जैसे तुम देख रहे हो फाइनली यार अपने पीछे पुलिस भी नहीं लगी। अब तो खैर पुलिस क्यों लगेगी, अब तो अपन कर्नल बन चुके हैं, अपने हाथ में पूरी पावर आ चुकी है। तो यार अब अपन आराम से मिलिट्री बेस के अंदर घूम सकते हैं। जैसे कि तुम देख रहे हो मिलिट्री बेस अपना पूरा हो चुका है, और एक गाड़ी यहाँ पर मैं रुकवा देता हूँ। हाँ तो भाई गाड़ी रोक दिया है इसने, जैसे कि तुम देख रहे हो सारे बंदे सिक्योरिटी विक्योरिटी भी तैयार है। और ये क्यों मैं देख रहा हूँ,
ओ भाई साहब, सारे बंदे अपने को सैल्यूट कर रहे हैं, मतलब अपनी पूरी तगड़ी लेवल वाली रिस्पेक्ट हो चुकी है। सारे बंदे यहाँ पर अपनी पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यार भाई, इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं चाहिए अपने को। ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये सारे बंदे अपने को सैल्यूट कर रहे हैं, कह रहे इनकी तो पूरी ड्यूटी है, ये तो कर्नल की पूरी बात वगैरह मानेंगे। और बाकी यार, जैसे तुम साइड पे देख पा रहे हो, वहाँ पर अपने होने वाली है कर्नल सेरेमनी, जहाँ पर मैं पूरी स्पीच वीच दूंगा। हाँ तो यार, जल्दी से मैं अपनी कर्नल सेरेमनी कर लेता हूँ। बाकी यार, जैसे तुम देख रहे हो, यहाँ पर पूरे लोग वगैरह आ चुके हैं, मीडिया आ चुका है पूरी स्पीच वगैरह देखने के लिए। और यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, और ये तो भाई बहुत ऊंचा बनाया गया है। खैर, यहाँ पर मैं अभी स्टूल लगा लेता हूँ ताकि यार मैं ऊपर खड़ा हो सकूँ। तो फाइनली यार, माइकल यहाँ पर कर्नल डिक्लेयर कर दिया गया, जैसे कि तुम देख रहे हो, मीडिया भी पूरा ही सारा ब्रॉडकास्ट कर रहा है लाइव। यार फटाफट से सेरेमनी ख़त्म होने का वेट करती है। तो यार, कर्नल सेरेमनी तो ख़त्म हो चुकी है, और कर्नल सेरेमनी के बाद ये सारे बंदे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मुझे सातों तोपों की सलामी दी जा रही है, जैसे कि तुम देख रहे हो। यार बंदे तो सात से ज़्यादा हैं, पर कर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पूरी खुशी वगैरह मना रहे हैं और खुशी में पूरी गोलियां वगैरह चला रहे हैं। तो यार अभी फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ एक स्पेशल काम के लिए। तो यार, मेरे को ट्रेवर ने बोला था कि यार उसको ब्रिगेडियर बना देना चाहिए। तो यार मैं भी सोच रहा था कि फाइनली उसको ब्रिगेडियर बना ही देते हैं हम। तो तुम देख रहे हो, अपने ट्रेवर ने पूरी ब्रिगेडियर वाली ड्रेस डाल ली है, और ये अपनी पूरी ब्रिगेडियर की स्पीच दे रहा है। खैर यार, मैं तो यहाँ से चल जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्पीच सुनने में। और इतने बंदे कहाँ से आ रहे हैं भाई? अच्छा भाई, कितने तगड़े लेवल वाले बॉडीगार्ड्स मेरे को मिल चुके हैं। मतलब माइकल पूरा अपना फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर पूरी इसको सिक्योरिटी मिल चुकी है, इतने ज़्यादा गार्ड्स हमेशा इसके साथ रहेंगे। मतलब कर्नल बन के ना माइकल का पूरा स्वैग आ चुका है। यार मैं अभी फटाफट से चल रहा हूँ आपको अपना ऑफिस दिखाने, और आई थिंक यार मेरा ऑफिस इधरली साइड से यह रास्ता, ये वाली बिल्डिंग के अंदर मेरा ऑफिस है। यार ये बंदे हमेशा मेरे साथ रहेंगे क्या? यार बहुत परेशान होने वाला हूँ, क्योंकि यार इतने ज़्यादा बंदे मैं इतने टाइम तक टॉलरेट नहीं कर सकता। यार इधरली साइड से मेरा ऑफिस लिफ्ट वाली साइड पे होगा। यार फटाफट से ये लिफ्ट आ चुकी है, इसके अंदर एंटर हो जाता हूँ, और फिर अपन पहुँच जाएंगे अपने प्यारे पर्सनल ऑफिस में। तो ओके यार, मैं लिफ्ट के अंदर बैठ चुका हूँ। हाँ तो यार, अपना माइकल कर्नल ऑफिस के अंदर एंटर हो चुका है। जैसे कि तुम देख रहे हो, ये ऑफिस काफ़ी तगड़ा बनाया गया है, और एंट्री तो आई थिंक यार इस वाले गेट से ही अपने को मिलने वाली है। भाई माइकल का स्वैग देखो यार, जैसे कि तुम देख रहे हो, सामने साइड पे माइकल का पूरा नाम लिखा गया है, कर्नल माइकल। और यहाँ पर जितनी भी पुलिस वालियाँ और गार्ड्स हैं, वो मेरे को सैल्यूट कर रहे हैं। भाई अब तो लेवल ही अलग हो चुका है। बाकी यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पुलिस वालियों से, मतलब मैं नहीं चाहता कि यार कोई लेडीज़ मेरे को सैल्यूट करे, क्योंकि यार मैं लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर ये जो ब्रिगेडियर है, ये भी मेरे को सैल्यूट कर रहा है। खैर कोई नहीं यार, इसको तो मैं पर्सनल असिस्टेंट रख लूँगा, और लॉस सैंटोस के अंदर जितने भी अटैक्स वगैरह होंगे वो मैं इसी बंदे से करवाऊँगा। खैर यार, अपने को भी अटैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं करवाने, क्योंकि यार आपको पता है, अब मैं बन चुका हूँ रेपुटेटेड बंदा, मतलब कर्नल बन चुका हूँ। यार अब अपन अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं। यार अब से माइकल अपने सारे गलत धंधे बंद कर देगा, क्योंकि यार अब ये बहुत रेपुटेटेड बंदा बन चुका है। बाकी यार, ये मैं आ चुका हूँ अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, मतलब ऑफिस का ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, और यहाँ पर मैप में काफ़ी तगड़े तगड़े प्लान्स लिखे गए हैं, जो कि यार मिलिट्री करने वाली थी। और ये सारा मेरा अपना पर्सनल ऑफिस का एरिया आ चुका है, जहाँ पर मैं बैठ के सारे मोदी जी और बाकी मिनिस्टर के साथ गप्पे शप्पे लड़ा सकता हूँ। काफ़ी सही एरिया बनाया गया, और ये जो ऑफिस है, इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हो चुका हूँ। तो खैर यार, अभी सैल्यूट मत करो, अभी तक ये सैल्यूट लोग कर ही जा रहे हैं। और ये मेरा कौन सा एरिया आ चुका है भाई? ये तो संडास आ चुका है, और ये मेरा पर्सनल एरिया आ चुका है, जहाँ पर मैं पूरी रेस्ट वगैरह कर सकता हूँ। और यहाँ पर तगड़ी तगड़ी घड़ियाँ रखी गई हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो, रोलेक्स वगैरह, और काफ़ी अच्छी अच्छी घड़ियाँ रखी गई हैं। यार काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये ऑफिस। यार तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें मेरा ये ऑफिस कैसा लगा। तो चलो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटा आइकन दबा देना। खुश रहो, बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में।